मैंने इंजीनियरिंग में स्टडीज भी बैलेंस की है और एक्टिंग क्लास में एक्टिंग भी बैलेंस कर दी। दोस्तों ये दोनों भी हमारी ऑनलाइन कोर्स की स्टूडेंट है और ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त है, तो आई थिंक वर्षिनी से बेहतर इंटरव्यू साक्षी का कोई कंडक्ट नहीं कर पाएगा। सो साक्षी एंड वर्षिनी, ऑल द बेस्ट। आज एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट की इंटरव्यू करेगी और सिर्फ ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एस्पिरेंट एक्टर्स हैं जो लेट्स एक्ट में आना चाहते हैं, इधर सीखना चाहते हैं, पर कुछ वजह से वो नहीं आ पाते। तो आई थिंक हम दोनों की ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन बहुत कुछ बदल सकता है आपके दिल में। साक्षी, कैसी लगी क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में डिफरेंस था थोड़ा। ऑनलाइन में 1 आवर मिलता था और ऑफलाइन में सर हम लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑनलाइन पे भी फोकस करते हैं बट सर को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है इसीलिए, और सर ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम रुकते हैं, 6-6 बजे तक हम लोगों के साथ रुकते हैं और एक क्लास में हम लोगों को इतना सब कुछ सिखाते हैं। पहले हम लोग एक्टिंग करते थे बट उस मोनोलॉग पे कैसे वर्क करना है वो हम लोगों को नहीं पता था, बट जब से मैं ऑफलाइन और जब मैंने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया था तभी भी मुझे सर की वजह से थ्योरी पता चली थी। तब मुझे पता चला कि मोनोलॉग के पीछे परफॉर्म करने के पहले इतने फील्स, इतने इमोशंस, इतना डिक्शन, ये सब कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। तो मुझे भी सेम सीखना पड़ा। हम दोनों में ऑनलाइन किया है क्लासेस, तो तुमने कैसे मैनेज किया? तुम तो कॉलेज स्टूडेंट हो। पहले ऐसे लगता था कि मतलब कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि वो नहीं हो सकती वैसे, मतलब ऐसे लगता था पहले मुझे इंजीनियरिंग के साथ कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 to 4 कॉलेजेस रहता है, फिर उसके बाद कॉलेज का छोटा मोटा थिएटर रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा चांस मिलता तो नहीं है। प्रोफेशनल थिएटर अलग होते हैं बट एक्टिंग क्लास में ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा फोकस मिलता है हम लोगों के ऊपर। फिर मुझे लगता था नहीं हो पाएगा मुझसे ऑनलाइन, क्योंकि स्टडीज़ एंड ऑल कोडिंग होती है, प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ती है, कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज थर्ड ईयर में आना स्टार्ट हो जाती है, फिर ऐसे लगता था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, ऐसे सोचा था। फिर मैंने ज्वाइन कर ही लिया और जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे ऐसा फील हुआ कि करने से सब कुछ हो जाता है लेकिन ना करने से कुछ भी नहीं होता, इसीलिए सर कभी भी बोलते हैं ना हम लोगों को कि एक्शन लेनी चाहिए। उससे मैंने एक स्टेप एक्शन ले ली। घर वालों ने एक्चुअली ऐसे बोल दिया था, तो इंजीनियर पहले तो फोर्स किया था इंजीनियरिंग ही कर सिर्फ, फिर मैंने चॉइस दी मुझे एक्टिंग भी करनी है, मैं इंजीनियरिंग भी करूँगी अगर आपको लगता है तो, लेकिन मेरी चॉइस भी आप लोगों को फॉलो करनी होगी, मतलब एक्टिंग। मैं इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट करूंगी बट अगर आप लोग एक्टिंग के लिए सपोर्ट करोगे तो। तो फिर उन्होंने हाँ कर दी। इतना डिफिकल्ट कुछ था नहीं फैमिली के लिए, क्योंकि भाई तो पहले से सपोर्ट करता था और मॉम डैड इजीली कन्विंस हो जाते हैं, सो ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं थी घर वालों के लिए। अच्छा जी, एक जुनून ऐसा लगा कि नहीं मुझे सिर्फ इसमें एक्टिंग करनी है, सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। कॉलेज में क्या है, 9 to 4 का टाइमिंग है, इट्स ओके, कुछ ना कुछ एचओडी को बना देंगे झूठे मूठे रिपोर्ट्स देख के, और वैसे ही हुआ। एचओडी के सामने बहुत सारा ड्रामा किया, रोने का, आईज ऑपरेशन एंड ऑल, सब कुछ झूठी रिपोर्ट्स बनाई, सबमिट की। वैसे वो 3 मंथ का लीव एप्लीकेशन हो गया और फिलहाल अभी एक्टिंग चालू है। तेरे कॉलेज लाइफ में, एक्चुअली कॉलेज लाइफ सबके लिए मेमोरेबल होता है, बहुत सारे मेमोरीज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, एज अ टीनेजर वो सब छोड़ के आना, इधर रह के इधर लोग मिले होंगे, तो क्या फील कर रही है, इधर का एटमॉस्फेयर अच्छा है कि कॉलेज का एटमॉस्फेयर बेटर? कॉलेज के लिए लाइफ तो सबकी मेमोरेबल होती है, ये सच बात है, लेकिन स्कूल बहुत ज़्यादा थी सबके लिए। कॉलेज इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में बहुत मज़ा आता है, सबकी लाइफ इंजॉयबल रहती है, लास्ट के वो 4 ईयर्स ही रहते हैं, फिर बाद में सब कुछ वो जॉब एंड ऑल, 9 to 5 की जॉब करो, यही सब कुछ होता है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसे लगा, हाँ मैं टीनेजर हूँ, एक्टिंग इंजीनियरिंग के साथ कर रही हूँ मैं, बट वो ऐसे खुद से अंदर से आवाज़ आती है, हमारा ड्रीम यही है, हमारा ड्रीम यही है, तो फिर वो लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ छोड़ना है और उसी पे फोकस करना है, ऐसे लगता है। तो इधर के लोग यहाँ मिंगल होना, ऐसे टीनेजर मिंगल होना, तो पहले से यहीं पर रहती हूँ और पुणे में तो मिंगल नहीं हुई थी मैं, क्योंकि वो न्यू था मेरे लिए
और एक्टिंग क्लास, एक्टिंग क्लास को मैंने हमेशा बाहर से देखा था, सर के स्टूडियोज पहले अंधेरी में थे, फिर मैंने वो यूट्यूब पे देखे थे। मुझे भी ऐसा लगता था मैं भी मैं उस क्लास में जाऊँ, वहाँ पे खुद को प्रेजेंट करूँ, मेरा टैलेंट शो करूँ, ऐसे लगता था मुझे। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे उन पे उनके, फिर बहुत सारे देखने के बाद मुझे लगता था मैं यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ। फिर वहाँ पे ऑनलाइन किया और फिर बाद में अपॉर्चुनिटी मिली ऑफलाइन की। तो साक्षी के बारे में मैं एक और बात बताऊँ, ये बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। एक्चुअली मेरा इधर आने में भी इसने बहुत सपोर्ट किया कि बहुत अच्छी है। तो हम दोनों ऑनलाइन मिले थे, तो ऑनलाइन ही हमारी फ्रेंडशिप बन गई थी। फिर धीरे धीरे इधर आके तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इधर का माहौल ही ऐसा है कि कोई कोई दूर नहीं रह सकता, कि इधर इधर आते ही सब फैमिली बन जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, वो फील आ जाती है। तो एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा है, किसी को इधर छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा मेरा। मुझे तो लग रहा है कि 3 मंथ्स के बाद इधर छोड़ के जाने में सबको बुरा लगेगा, कि बहुत हार्ट ब्रेक हो जाएगा वैसे। तो दैट्स इट आई थिंक। अभी करियर के बारे में और क्या क्या सोचा है? करियर के बारे में अभी फिलहाल तो एक्टिंग चल रही है, हर 3 मंथ के बाद ऑब्वियसली एचओडी कॉल करेगा, कॉलेज तो जाना ही होगा, कॉलेज भी कंटिन्यू करना होगा। फिर जैसे ही ऑडिशन की अपडेट्स मिलेंगी, वैसे अंधेरी ऑडिशंस के लिए आने की पूरी तैयारी है, मतलब स्टडीज़ के साथ एक्टिंग भी पूरी कंप्लीट करनी होगी, फैमिली के लिए इंजीनियरिंग तो कंप्लीट करनी होगी, बिकॉज ऑफ फिर आगे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और इंजीनियरिंग में सिर्फ मुझे पास होना है, लिटरली सच कहूँ तो, क्योंकि करियर उसमें बनाना ही नहीं है। तो फिर पास तो एक नाइट में भी हो जाता है कोई भी, लेकिन एक्टिंग के लिए बहुत मेहनत है, बहुत मशक्कत है वो, तो फिर वही कंटिन्यू करना है आगे करियर में भी। तो साक्षी, आप 18 टू 20 इयर्स के होंगे, तो आपके एज के जो लड़कियां हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? 18 टू 20 इयर्स की एज ही टीनेजर है, टीनेजर की एज में हम लोगों को ज़्यादा समझता नहीं है, डिसीजन हम लोग ले नहीं पाते, पेरेंट्स जो बोलते हैं हम लोग वही काम करते हैं। लेकिन मेरा भी खुद का एक डिसीजन था, उनका डिसीजन था मैं इंजीनियरिंग करूँ, मेरा डिसीजन था मैं एक्टिंग करूँ, अपनी एक्टिंग में भी अपना टैलेंट शो करूँ, ऐसी उनके भी मतलब होप्स है, उनके भी ड्रीम्स है, मेरे पेरेंट्स के भी। और जो भी 18 टू 20 इयर्स की लड़कियाँ होती है उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है, मैं ये बैलेंस कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी स्टडीज़। मतलब मैंने इंजीनियरिंग में स्टडीज़ भी बैलेंस की है और एक्टिंग क्लास में एक्टिंग भी बैलेंस करती हूँ, दोनों भी चीज़ें एज ए बैलेंस है, न्यूट्रल है मेरी। कभी इंजीनियरिंग में बैकलॉग लगते हैं, बहुत सारे लोगों के बैकलॉग लगते हैं, लेकिन हमेशा मैं तो पढ़ाई एक रात पहले ही करती हूँ। और एक्टिंग में भी हमेशा रोज़ मतलब सर कोई ना कोई टास्क देते हैं हम लोगों को, वो भी हम लोगों को कंप्लीट करना होता है। सो हमें ना दोनों चीज़ें बैलेंस करना आनी चाहिए एज अ वुमन, नॉट एज एन एक्टर, नॉट एज एन इंजीनियर, एज एन वुमन हम लोगों को दोनों चीज़ें बैलेंस करना आनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी लगता है आपके पेरेंट्स मान जाएंगे ऐसी चीज़ों से, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, ज़रूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर स्टडीज़ भी बैलेंस हो रही है तो एक्टिंग भी बैलेंस हो ही जाएगी। करने से सब कुछ होता है, ना करने से कुछ भी नहीं होता। मुझे यही लगता है कि आप लोग भी अपना एक ट्रस्ट बनाओ, आप आपके पेरेंट्स को बताइए, आपका टैलेंट शो कीजिए, उनको भी प्राउड फील कराइए, आपके पेरेंट्स ज़रूर कन्विंस हो जाएंगे। बस थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही साक्षी तूने, इट मीन्स अ लॉट किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत मैटर करता है ये बात। लेट्स एक्ट, ज्वाइन कर लो, जितने भी एस्पिरेंट एक्टर्स हो, यहाँ सब सेफ है, सिक्योर्ड है, बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। इधर के जो एनवायरनमेंट है बहुत फ्रेंडली है, कोई भी आके सीख सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, नॉट जस्ट एन एक्टर एज अ पर्सन ऑल्सो आपको बहुत ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो रुको मत, तको मत, लेट्स एक्ट ज्वाइन करो। और जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करना मत भूलिएगा।